Hello students, welcome to my channel Education Lane. So let us start magnetostatics or the magnetic part, magnetism. तो electrostatic हम already cover कर चुके हैं, that is unit 1 हमारी complete हो चुकी है syllabus की. So let us start the second unit which is about magnetism. Magnetism के बारे में भी आपने already पढ़ा हुआ है, बस उसी को ही थोड़ा सा और हमने आगे बढ़ा दिया है. स्टार्टिंग में सिर्फ मैं आपको वही वाली टर्म्स बताऊंगी जो आप ऑलरेडी अपनी 11th 12th में आप ऑलरेडी कर चुके हो. ठीक है, बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो. आई नो वेरी वेल, आपने एम्पियर सर्कुलेटर लॉ, बायो सावर्ट लॉ ऑलरेडी आप कर चुके हो, बट स्टिल एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था. तो इस वीडियो में हम बेसिक टर्म्स कर लेते हैं दो तीन. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो बेसिकली ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों का मतलब सेम है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? आपने नॉर्मली आपने एग्जांपल देखा होगा, आपने एक बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट के आसपास एक फील्ड आ जाती है. ठीक है, जहां पर आप मान लो ये आपका बार मैग्नेट है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक आयरन नेल रखते हो तो यहां से वो एकदम क्या हो जाएगी, इससे अटैच हो जाएगी, बिकॉज उसकी एक फील्ड है, उसका एक इन्फ्लुएंस है. ठीक है, अब मान लो आपने आयरन नेल यहां रख दी तो क्या ये इससे अटैच होगी? नहीं होगी. यहां पर होगी? नहीं होगी. यहां पर होगी? नहीं. ये कब अटैच हो जाएगी? जब वो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगी. तो जहां तक इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी एक डायरेक्शन होती है और इसका एक मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कितनी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया. तो सिमिलरली आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी वैसे ही होता है. और कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है किसी पर्टिकुलर एरिया से, नॉर्मल निकल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब कितनी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. ठीक है, अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगी? ठीक है, मतलब टेंजेंट. फॉर एग्जाम्पल ये इधर से इधर आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इधर से इधर जा रही है, तो मुझे इस पॉइंट पर निकालना है. डायरेक्शन क्या होगी? यहां पर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊंगी. यहां पर तो इस पॉइंट पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा कि यहां से इसी पॉइंट से नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही है. ठीक है, ये तो आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड. तो लेट अस सी एग्जाम में या आपको नोट्स में कैसे लिखना है, एक बार डेफिनेशन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म अब मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है. ठीक है, और उसी से पहले आपको बताऊंगी, डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगी आपको मैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी होता है, या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है तो क्या फॉर्मूला होता है. ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही करना है, इसमें आपको डेरिवेशन के लिए जरूरत नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का हमारा क्या. तो डेफिनेशन देख लेते हैं. द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड स्पेस एंड और अ करंट कैरिंग कंडक्टर. अगर आपका कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंडक्टर, इसमें से आपका करंट जा रहा है, तो इसके आसपास एक हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है. अगर आप यहां पर ये कंपास रख देते हो, मैग्नेटिक निडल रख देते हो, तो वो क्या हो जाएगी, हल्की सी फ्लक्चुएट हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या है कि इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, या ऑलरेडी कर चुके हो, ये मैं आपको फिर से बता रही हूं. ठीक है, तो द स्पेस अराउंड द मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर विद इन विच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्जर्व, मतलब उसके अंदर उसका जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है वो हम ऑब्जर्व कर सके, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, वेक्टर है बिकॉज इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन. डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमने इसको किससे डिनोट किया है, सिंबल बी से. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ बी इज गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन टू द लाइन ऑफ इंडक्शन एट दैट पॉइंट. वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन
एट सर्टेन पॉइंट, ठीक है। कोई भी अगर मेरा कोई एरिया है जहां से मेरी मैग्नेटिक फील्ड निकल जाए, तो उस पर्टिकुलर एरिया का क्रॉस सेक्शन से कितनी लाइंस पास हो रही है वो आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। टेक अ नॉर्मल टू द लाइन, लेकिन जो फील्ड लाइंस होनी वो क्या होनी चाहिए, हमेशा नॉर्मल, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी किया था, ठीक है। दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस डू द नेक्स्ट टर्म। Let us see what will be the force acting on a moving charge. Magnetic force acting on a moving charge. Test charge हमने क्यू नॉट लिया है, moving with the velocity v, कोई भी जो चार्ज है आपका वो v velocity से move कर रहा है in magnetic field b, magnetic field b में making angle theta with the v velocity. मान लो ये velocity है, ये magnetic field है, ठीक है, इसके बीच में जो angle है वो थीटा है। देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इज, तो जो टेस्ट चार्ज है जिसको मैंने इस फील्ड में छोड़ दिया है उसके ऊपर फोर्स कितना होगा, ये मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, नो नीड ऑफ डेरिवेशन। डेरिवेशन में वैसे कुछ हार्डली है नहीं, हम सेपरेटली अलग अलग टर्म्स में लिख देंगे दैट एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट, नेक्स्ट एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी, एंड नेक्स्ट एक्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, कंबाइन करके आ जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट वी साइन थीटा। अब प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम हटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा एक कांस्टेंट टर्म जो कि हमने लिख दिया है बी, बी क्या है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, बी एफ इज इक्वल टू बी क्यू नॉट वी साइन थीटा। वी साइन थीटा जो है वो इन दोनों के बीच में एंगल भी है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट वी क्रॉस बी, ठीक है। नाउ एसआई यूनिट ऑफ बी इज गॉस, ठीक है। यहां पर किसकी बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की। अब ना लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, अब मैंने आपको बता दिया ये जो है फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, या मूविंग चार्ज जो है आपका वो एक मैग्नेटिक फील्ड कंस्टिट्यूट करेगा, ठीक है। उसके लिए आपका ये फॉर्मूला आ गया, लॉरेंस फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, चार्ज मूव कर रहा है। लॉरेंस का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और मैग्नेटिक फील्ड में भी है, तो हम दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है। तो मेरे को मिल जाएगा टोटल फोर्स विच इज लॉरेंस फोर्स, तो मैग्नेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरा फोर्स को क्या होता है क्यू नॉट ई, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में ये हमने अभी अभी निकालना है क्यू नॉट वी क्रॉस बी, क्यू नॉट कॉमन लिया ई प्लस वी क्रॉस बी, तो ये जो मेरा है इसको क्या बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, ठीक है। ये आपके दो सिंपल सिंपल फॉर्मूले थे जिन पे डायरेक्टली आपके कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं आता है, बट स्टिल इसकी डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगी। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। सिमिलरली टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता था कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो मेरी पास कर रही है एक पर्टिकुलर एरिया से, तो सिमिलरली अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं उसको अब मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, कंसीडर अ प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस कंसीडर किया, इसमें ये वाला प्लेन है, इसमें ये प्लेन सरफेस और इसमें ये प्लेन सरफेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैं आपको समझाती हूँ, आपका प्लेन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे है, मतलब परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, तो यहां पे मैक्सिमम फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, ठीक है। यहां पर क्या होगा, प्लेन भी ऐसे है फील्ड लाइंस वैसे, कुछ क्रॉस कर रहे हैं इसको नहीं, तो यहां पे जो आपकी फील्ड लाइंस होंगी जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा जीरो, ठीक है। अब ये किसी एंगल पे है, ये आपका प्लेन है और ये आपकी फील्ड लाइंस है, ये एंगल थीटा बना रहा है, कोई भी जो उसका जो सरफेस है उससे नॉर्मल से हमारा थीटा बन रहा है, ये हमारा नॉर्मल है और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो एंगल कितना बना रहा है थीटा, ठीक है। यहां पे कुछ कोई टर्म हम निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हम देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ इंडक्शन पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया, पासिंग थ्रू अ सरफेस, कोई भी सरफेस से पास कर रही है आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन, उसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है, या फिर हमने क्या बोल दिया उसको मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। कंसीडर एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एरिया, एक छोटा सा एरिया हमने कंसीडर करा है डीएस, नॉर्मल टू विच, नॉर्मल
टू विच मेक्स एन एंगल थीटा विद बी, मतलब बी के साथ जो नॉर्मल है वो एंगल थीटा बी थीटा बना रहा है, ओवर डीएस इज गिवन. तो मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर डीएस, इसके ऊपर सिर्फ स्मॉल एरिया के ऊपर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मेरा क्या आएगा, डी फाइ एम. फाइ एम क्या डिनोट कर रहा है, फ्लक्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू पी डॉट डीएस. ठीक है, अब मुझे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इसको इंटीग्रेट कर दूंगी किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर. ठीक है, तो मेरा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा v डॉट ds इंटीग्रेटिंग ओवर सरफेस. ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया. कुछ इसके स्पेशल केसेस हैं, एक दो छोटे छोटे वो भी देख लेते हैं. लेट अस सी व्हाट आर दी स्पेशल केसेस. अगर सरफेस क्लोज है तो सिमिलरली सिंपल, आपको क्या करना है, सिर्फ एक लोब बना देना है. इफ एंगल बिटवीन बी एंड डी इज 90 डिग्री, अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, थीटा इज 90 डिग्री, तो बी डॉट डी एस क्या होता है, बी डी एस कॉस थीटा, एंड थीटा इज 90 डिग्री, कॉस 90 इज जीरो, सो दिस इज विल, दिस विल बी जीरो. इफ बी इज पैरेलल टू डी एस, अगर बी जो है वो डी एस के पैरेलल है, तो एंगल कितना हो गया जीरो, तो बी डी एस कॉस जीरो, कॉस जीरो इज वन, बी इज कॉन्स्टेंट, डीएस के ऊपर डबल इंटीग्रेट किया, तो मतलब क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया, तो ये क्या आ जाएगा, बी एस. नाउ एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर. ठीक है, ये ध्यान रखना. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक फ्लक्स. अब एक लास्ट टर्म कर लेते हैं, सोलेनोइडल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, लेट अस डू द लास्ट टर्म, दैट इज सोलेनोइडल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सोलेनोइडल का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, मतलब जिसमें कि कोई सोर्स नहीं है, ना कोई सिंक है, मींस जो फील्ड लाइंस है वो क्लोज कर्व्स बना रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कर रहे थे टॉपिक, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं, वो सोर्स होता है, और नेगेटिव में वो चली जाती है, वो सिंक होता है. ठीक है, मतलब कि फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, बट आपका मैग्नेटिक फील्ड के केसेस में ऐसा नहीं होता है, दे फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स, मतलब कि ना उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना कोई उसका एंड पॉइंट होता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. ठीक है, ये इसका नॉर्थ एंड है, ये इसका साउथ है, तो बाहर की तरफ ये क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ, और अंदर होता है साउथ टू नॉर्थ, तो मतलब दे आर फॉर्मिंग क्लोज्ड कर्व. अब इस एंड इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है. ठीक है, तो उसको कहते हैं सोलेनोइडल नेचर. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, फॉर क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा. लेट अस सी हाउ यू विल राइट इन योर नोट्स सोलेनोइडल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बी अ वेक्टर फील्ड इज सेट टू बी सोलेनोइडल और सोर्स फ्री इन विच नो स्टार्टिंग पॉइंट और सोर्स कैन बी असाइंड टू द लाइन्स डिस्क्राइबिंग दैट फील्ड. हम कोई सोर्स ही असाइन नहीं कर सकते कि उसका सोर्स क्या है. लाइन्स ऑफ बी ऑलवेज फॉर्म क्लोज कर्व्स, दे आर फॉर्मिंग क्लोज कर्व्स, सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सर्फेस. तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सर्फेस क्या हो जाएगा, इन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉन्टिन्यूअस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द सोलेनोइडल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म पार्ट और यूनिट टू. लेट अस फर्दर कंटिन्यू, और फर्दर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि और हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ, बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है. टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन लिंक फॉर फर्दर वीडियो अपडेट्स.